बहुत बड़ा ओवर चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का ओवर है ये। बड़ी बाउंड्री, पीछे फील्डर, रहता हो तो रहता हो, ये वन बाउंस चौका है या फिर ये छक्का है। इस गेंद के पहले हमने देखा था फुटवर्क थोड़ा सा क्रीज के अंदर आ गए थे और उस इलाके को ढूंढ रहे थे क्योंकि पता था कि इन टू द विकेट स्लोअर गेंदबाजी होने वाली है, तो बैकफुट के ऊपर जोर देके बैठे थे। ये चार है या छह है, क्योंकि चाहे चार हो या छह हो, ये बात तो ये चौका लगता है और अर्धशतक यहां विराट कोहली का 11वां T20 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप का अर्धशतक। शतक अभी आधा है, काम भी अभी आधा है, अभी 17 गेंदे हैं, समा अभी 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 तो बांधा है। वाइड वाइड वाइड, चलिए शाहीन को अब थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा है। गौतम, क्या बेहतरीन पारी यहां पर विराट कोहली की। मुश्किल स्थिति में आए थे जब भारत ने जो दो जल्दी विकेट खोए थे, लेकिन यहां पर दबाव शाहीन अफरीदी पर। बीस ओवर स्पिनर ही डालेंगे, इसके बाद वाला जो ओवर है मस्त रॉफ डालेंगे। ये अच्छी गेंद है, दो की मांग यहां भी की और दो मिल भी जाएंगे। रनर्स हैं ये, स्प्रिंटर्स हैं ये वो दो चीते हैं, बहुत तेज भागते हैं। कदमों का अच्छा इस्तेमाल स्पिन के खिलाफ, गति का भी अच्छा प्रयोग, बैकफुट पे गए लेग स्पिनर के खिलाफ और जब जरूरत थी उनको पता है कौन से इलाके में वो बाउंड्री को तलाशना है। ये बहुत संभली हुई पारी रही है विराट कोहली की। इनसाइड आउट, दो तो यहां पे भी है, तीसरा शायद ढूंढ पाएंगे, तीसरा छोड़िए, चौका मिल जाएगा। थोड़ा सा चौके हुए हैं इस समय शाहीन शाह अफरीदी, पहली गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे चौका, बीच में एक वाइड गेंद है, तीन गेंदे हुई है, 11 आ चुके हैं, 1-2-3 पर 4 है भारत। जगह बनाई अपने आप के लिए, जानते थे कि यॉर्कर लेंथ ढूंढ रहे अफरीदी, लेग स्टंप के बाहर आए और फिर चिप कर दिया कवर फील्डर के ऊपर से प्लेसमेंट, और ये विंटेज कोहली। जी हां, बेहतरीन शॉट यहां पर विराट कोहली का, बेहतरीन टाइमिंग भी, सिर्फ टाइम करने को देखा इस गेंद को। ओवर द स्टंप्स, ये कोण को बदला है, यहां पर भी दो देखेंगे, ये सर्कल में गेंद रह जाएगी और नहीं, यहां हार्दिक ने मना किया, एक्चुअली सही मना किया। कई बार हां से वो नाम महत्वपूर्ण रहती है, वो सही जवाब रहता है। 14 गेंदे 36 रन, अगला ओवर हारिस रौफ पर, इस ओवर में वो काम अभी तक तो कर दिया है। मिस टाइम हुई थी गेंद, मगर हार्दिक ने पहले ही मन बना लिया था कि देख लिया था कि ये अच्छा ओवर खेला है अब तक कोहली ने, 12 रन आए इस ओवर से, ये दो बड़ी हिट लगाने की मौका है अब हार्दिक पांड्या के पास। यहां एक ही मिलेगा, 13 गेंदे 35 रन्स, अगली 6 गेंदे हैं अगले ओवर की, वो तो हारिस रौफ डालेंगे। आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज आएंगे, ये फिर भाई ये एशिया कप का थोड़ा सा ये एक्शन रीप्ले हो रहा है। सवा सौ प्रचार फेर पे सवा शेर को अनाज, शॉट है, शॉट है, कड़क है, चाबुक है, कॉपी बुक है, ओवर का आगाज, ओवर का अंजाम चौके के साथ, बीच में एक चौका था 17 इस ओवर से है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक साल पहले काम किया था, भारत की वो कमर तोड़ी थी, आज आज थोड़ा वसूली हुई है, कर्जा था चुकाना था। यहां दोबारा से प्लेसमेंट, शॉट फाइन लेकर फील्डर दायरे के अंदर, थोड़ा सा अंदर की तरफ हटे और उस सुरक्षित एरिया में खेला।
बहुत अच्छी अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस, फील्डर किस तरह खड़े और उसका पूरा फायदा उठाते हुए। सुपर 12 गर्माहट। ये ग्रुप वन में अफगानिस्तान पहला मैच हारा जरूर, पर इंग्लैंड को थोड़ा सा डरा धमका के हारा है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। कल मुकाबले होंगे बांग्लादेश के सामने नेदरलैंड्स होगा। ये होबार्ट का मैदान 9:30 बजे और शाम को साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे। बेलरीव ओवल होबार्ट अभी मजा आएगा। बांग्लादेश का पहला मुकाबला, साउथ अफ्रीका का पहला मुकाबला क्वालिफायर्स के साथ। हारिस राव का ये ओवर, गेम ऑफ नर्व्स। 12 गेंदे 31। स्लोअर गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, यहां से एक एक ही मिलेगा। शदाब अच्छे फील्डर हैं। स्लोअर गेंद यहां पर, इससे पहले किस तरीके से विराट कोहली ने फील्ड को खेला, अंदर आके सिर्फ टाइम करने को देखा। फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन शॉट विराट कोहली की। अब 11 गेंदे 30 रन। और जिस तरह से बातचीत भी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, काफी रिलैक्स्ड दिखते हैं, जो शरीर भाषा बताती है। धीमी गति की गेंद, क्या 4 मारने को देखेंगे या 2 भागने को देखेंगे। ओवर का वाज ये भी, लेकिन यहां भी पीछे फील्डर मौजूद। 2 गेंदे 2 सिंगल्स। हारिस राव पाकिस्तान के आज की शाम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज। शाहीन शाह अफरीदी, और नहीं, आज शाह को मात दी है भारत के इस कोहली नूर ने। कमाल बैटिंग, शुरुआत से लगा था कि लय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा था वापसी करेंगे शाहीन, ऐसा हुआ नहीं आज। 19वें 20वें ओवर में विराट कोहली 218 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त गेंद। भारत और पाकिस्तान, क्या कहें, भारत और जीत के बीच में हारिस रॉफ खड़े हैं। पिछले कुछ गेंदों से जोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जोर से बल्ला घुमा रहे हैं हार्दिक पांड्या। यहां पर थोड़ा सा गेंदों के बीच में अगर समय लेंगे, सोचेंगे कि एरिया कौन सा अच्छा है खेलने के लिए, स्लोअर गेंदे हैं तो पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास। यहां पर देखिए बहुत तगड़ा प्रहार करने का प्रयास। 9 गेंदे नहीं, ये भी बैट के बहुत ऊपर लगी है गेंद, और विराट अगर 2 भागेंगे तो हार्दिक वापस स्ट्राइक पे आएंगे। इस समय आपको विराट चाहिए स्ट्राइक पर। 4 गेंदों में 3 रन, 8 गेंदों में 28, नो रिजल्ट देखते हैं। ए कोहली का बल्ला एक बार फिर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज ये बल्ला बोला है बड़े मंच पे। वो सरपंच बनने की काबिलियत, वो नॉकआउट पंच लगाने की काबिलियत। दबाव था, 26-3 था भारत, 31-4 था। ये गजब गजब, व्हाट अ शॉट, विराट कोहली का विराट शॉट। ये गजब का शॉट है, क्योंकि धीमी गति की गेंद थी इन टू द विकेट, और जिस तरह से उनका वेट लेग साइड की तरफ जा रहा था, अगर फिर भी वो डाउन स्विंग गजब का, पूरा अपना कोर इस्तेमाल करते हुए पैर बाई तरफ, मगर जो बल्ला बिल्कुल सीधा, ये कड़क है। अनइमेजिनेबल शॉट यहां पर विराट कोहली का, लेंथ गेंद और सामने छक्का लगाते हुए। फाइन लेग पीछे, थर्ड मैन सर्कल में, 7 गेंदे 22 रन। ये कितनी दूर गई है गेंद, ये भी क्या स्टैंड में है, ये भी दर्शकों में, जी हां, एक बार फिर दर्शकों को किया है फील्डर में तब्दील। 6 गेंदों में 16 रन। देखिए हारिस रॉफ इस समय पाकिस्तान में कोहली का खौफ, 1-4, 4-4, 2 छक्कों के साथ इस मैच में किया पलटवार। जबरदस्त ये शॉट, बैक टू बैक छक्के कोहली के बल्ले से, लेंथ गेंद थी, अंदर आए और कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, और अब
छह गेंदों में 16 रन और स्पिनर बॉलिंग अटैक में और हार्दिक स्ट्राइक के ऊपर, ये बहुत ही मजबूत स्थिति है। बैक करेंगे भारत अपने आप को। ये क्या गजब का शॉट है, कलाइयों का इस्तेमाल, गेंद की गति का इस्तेमाल और फिर दोनों ही बल्लेबाजों के इमोशंस देखिए, जानते हैं अहमियत और हौसला अफजाई दो एक दूसरे की। कॉमत यार, कॉमत द मैन विराट कोहली। चेज इनसे बेहतर कोई करता नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ इनसे बेहतर कोई खेलता नहीं है। 31-4 वो संकट में था भारत, वहां से निकाल कर आए हैं यहां तक। 6 गेंदें 16, मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है। मोहम्मद नवाज के हाथ में गेंद होगी, लेकिन जितना नाम बड़ा है उतना काम बड़ा है। 6 चौके 3 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट, ये 84 मिनट, ये 74 रन्स, इसने भारत की उम्मीदों को जीवित रखा है। यह बेहतरीन कमाल के वो दो शॉट और अंडर प्रेशर। यहां पर हार्दिक पांड्या अपने आप को बैक करेंगे नवाज के सामने और किस स्थिति में था भारत, और अब यहां पर भारत के पक्ष पे ये मैच जाता हुआ। विराट कोहली, हरीश रॉफ, 4 गेंदे 3 रन, फिर 2 छक्के, एक सामने एक पीछे। अब गेंदबाजी के लिए नवाज है पीछे, फील्डर आप 5 जरूर रख सकते हैं। ये कोहली के सिक्सर्स, आज के 3 सिक्सर्स लगाए, पहला स्पिनर के खिलाफ कदमों का अच्छा इस्तेमाल करके। ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए, स्लोअर गेंद थी, सीधा साइड स्क्रीन के मारना बहुत कठिन, और ये गति का इस्तेमाल करके कलाइयों का जबरदस्त उपयोग। कीपर पीछे खड़े हैं, अबे ये कनेक्शन सही नहीं है, नीचे फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ भी लेंगे। और समस्या ये है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो सकती है, नए नियमों के अनुसार दिनेश कार्तिक जब बैटिंग करने आएंगे तो उनको स्ट्राइक लेनी होगी। 5 गेंदों में अभी भी 16 रन चाहिए। मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कदम वहीं पे थे क्रीज में और स्पिन करने की भी कोई कोशिश नहीं की, मगर सामने वाला पैर काफी खुल गया था, इस वजह से गेंद के एज पे, बल्ले के एज पे गेंद लगी और विकेट खोना पड़ा हार्दिक पांड्या को। मगर ये कमाल की साझेदारी थी, कमाल की इनिंग, 40 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। नवाज इस मैदान पर, अभी आप सुन सकते हैं आवाज, क्योंकि अभी पाकिस्तान का खेमा थोड़ा शांत था, लेकिन अब मेलबर्न से लाहौर तक, कराची तक, वहां से अब थोड़ी सी उम्मीदें जगी हैं। लेकिन आया कौन है मैदान पे, द फिनिशर। 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक, 2022 में T20, 231 रन, स्ट्राइक रेट 233 का है, 2.5 गेंदों में चौका है, छक्का मारते हैं, 5 गेंदों में 16 चाहिए। किसी भी तरीके से आपको विराट को स्ट्राइक पे लाना होगा। कीपर क्यों पीछे खड़े हैं वो एक अलग सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी सोच साफ है कि स्पिन करनाने कराने को देखेंगे ही नहीं, टीम बोलेंगे या फिर क्रॉस टीम डालने को देखेंगे। इस तरीके से हार्दिक पांड्या आउट हुए, लेंथ गेंद, बहुत जोर से मारने की कोशिश। एक्चुअली सामने मैदान यहां छोटा है, साइड बहुत बड़ी है, नहीं यहां तो एक ही रन मिलेगा, ये नो बॉल नहीं होगी शायद, क्योंकि आपने स्टेप आउट किया है। आप पूछ तो रहे हैं पर ये नो बॉल होगी नहीं शायद। 5 में 5वीं तो गेंद, तो 4 बची हैं, 4 में 15 नो बॉल नहीं दी गई है। तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर को पीछे छोड़ रखा है, इसका मतलब साफ है धीमी गति से डालेंगे नहीं, जितना स्थिर रह के खेलेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपर आने वाली है। बखूबी जानते हैं विराट कोहली, क्योंकि बहुत समय से इन्होंने पिच के ऊपर समय बिताया है। सारे रिजल्ट पॉसिबल है, भारत जीत, पाकिस्तान जीत, सुपर ओवर, 4 गेंदे 15 रन्स, 4 चौकों से काम चल जाएगा, पर वो आसान नहीं, एक छक्का चाहिए होगा इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए। नवाज लेफ्ट आर्म राउंड,
यहां पे दो भागने होंगे, दिनेश कार्तिक वापस आना होगा। अगर डायरेक्ट होती तो काम तमाम होता, लेकिन अब तीन में चाहिए 13। इस गेंद के ऊपर बाउंड्री आना जरूरी है। जगह पे से खेलेंगे तो शॉट लग जाएंगे, क्योंकि गति दे रहे हैं। पिछली गेंद जो थी 104 किलोमीटर की रफ्तार से थी। नॉट फॉर द वीक हार्टेड, ये थोड़ा सा धड़कने अब बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर है। 3 में 13, फुल टॉस गेंद, लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है और ये 6 है, ये 6 है। नो बॉल की मांग है, मिलेगी या नहीं वी डोंट नो, लेकिन 2 में 7 है। ये भारत को इस समय विराट का साथ है। रफ्तार थी उस गेंद में 105 किलोमीटर की रफ्तार, फुल टॉस और उसको तब्दील किया, और यह नो बॉल, फ्री हिट। क्या यह गजब की पारी रही है और क्या यह गजब का फेज रहा है भारत के लिए। वहां पर पाकिस्तान के कप्तान और खिलाड़ी थोड़ी सी बहस करते हुए अंपायर के साथ। देखिए तो बातचीत से होगा नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपना अंपायर निर्णय बदलेंगे, मेरा मानना है कि यहां पर बदला नहीं जाएगा निर्णय। आइए आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई अंजाम होने वाला है नहीं, क्योंकि अंपायर का डिसीजन इज फाइनल। उनके हिसाब से नो बॉल है तो फिर नो बॉल है। ये वेस्ट हाइट, फुल टॉस, बल्ले के शायद थोड़े अंदरूनी भाग पे लगी थी, नो बॉल की मांग थी, छक्के को रोकने का प्रयास था आसिफ अली। नाना इस समय सफलता की गली भारत खड़ा है, 3 गेंदें 6 रन। ये मैच बदला है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये सीसॉ पे बैठा था मैच, ये तराजू पे बैठा था मैच, लेकिन इस समय ये भारत के पक्ष में मुड़ा है, क्योंकि ये है फ्री हिट। फ्री हिट यानी मुफ्त की गेंद, यानी कि स्टैंड में पहुंचाने का मौका, जीत की तरफ एक और कदम बढ़ाने का मौका। 4 से भी काम चल जाएगा, 2 से भी चल जाएगा, इस समय तो फ्री हिट है। वाइड वाइड प्रेशर, ये आपसे वो काम करवाता है जो आप करते नहीं है अमूमन, आप पांव ठंडे हैं। आप विकेट कीपर को आगे आना चाहिए इस वक्त, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नियंत्रण रखने के लिए, मगर भारत के फैंस वहां पर पार्टी शुरू हो चुकी है मेलबर्न में। 3 में 5, अभी भी फ्री हिट है, ये फ्री हिट थी, फ्री हिट है, इसमें और रन मिलेंगे। और देखिए आज आप गलत नंबर की बस में भी बैठोगे तो भी घर पहुंचोगे, रन आउट हो सकते हैं फ्री हिट पर, लेकिन यहां 3 रन बना लिए हैं भागकर। अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। ये वो समय है जब आप बोल्ड होते हैं, उसके बावजूद टीम का फायदा होता है। और यहां पर क्या ये रन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा। ये भी तो चर्चा की जा रही है, क्या 2 गेंदें 2 रन, फ्री हिट पे आप बोल्ड आउट नहीं हो सकते, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। विराट कोहली क्या पारी खेली है, क्या कमाल पारी खेली है, यादगार पारी खेली है, ऐतिहासिक ये लम्हा है। उस स्टंप पे जाके गेंद लगी, रिकोशे हुई, बहुत दूर जा रही थी, भाग के 3 रन बटोर लिए गए। सब कुछ देगा हमने आज, कमाल धमाल देगा हमने। कम है डीआर, कम है द मैन विराट कोहली। कहां से गेम कहां पर मुड़ा, वो 2 हिट हॉरिस रॉक की गेंदबाजी के सामने। सामने वाली टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर को वहां ने इसका नाबूद किया,
उसके बाद फिर वही मोहम्मद नवाज, आखिरी ओवर, रन्स काफी चाहिए थे लेकिन उसके बावजूद 5 रन्स बने हैं, एक छक्का लगा है, नो बॉल वाइड, अतिरिक्त रन्स, दो गेंदे दो रन, क्या बात है। और फिनिश करने के लिए द फिनिशर, तब इसी भूमिका के लिए ही तो दिनेश कार्तिक का चयन हुआ है। और दिनेश कार्तिक क्या करेंगे क्योंकि फील्ड ऑब्वियसली अंदर लेके आएंगे, एक्स्ट्रा फील्डर होगा, विकेट कीपर भी आगे आ चुका है, अगर अब तक कोई अतिरिक्त फील्डर हमें दिखता नहीं है दायरे के अंदर तो मौका है। और विराट कोहली उनसे यही बातचीत कर रहे थे कि कहां आप धीमी गति से गेंद को प्लेस करके दो भाग सकते हैं, भारत को चाहिए दो रन दो गेंदों में, दो गेंदे दो रन। मोहम्मद नवाज सामने दिनेश कार्तिक, इनसाइड आउट ओवर का बस स्वीप मारने का प्रयास और ये विकेट गवा दिया है। अब आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए, दो गेंदों पे दो रन थे, एक रन मिलेगा तो आपको। रिव्यू फॉर स्टंपिंग, टीवी अंपायर डायरेक्टर, वी हैव एन अंपायर रिव्यू फॉर स्टंपिंग, फ्रंट फुट चेक, इट्स अ फेयर डिलीवरी, कैन मूव ऑन टू फ्रंट ऑन स्पिन विजन प्लीज। Still waiting for spin vision. Yeah, keep that rolling through, please. Okay, thank you. I'm going to need to see your best side on angle, please. Keep that rolling through, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. I'm ready with my decision for the big screen. आउट करा दिए गए हैं, एक गेंद पे अब दो रन चाहिए, एक रन मिलेगा तो सुपर ओवर है, दो है तो भारत की जीत है। रविचंद्रन अश्विन, एश फॉर विन, नाम में है विन लेकिन क्या विन यहां वो दिला पाएंगे भारत को। बड़ा बच्चे गाइस कॉल इट, संजय गौतम क्या लगता है? दो भागने को देखेंगे, बाउंड्री मारने का प्रयास नहीं करेंगे, चारों फील्डर बाहर होंगे और पाकिस्तान के जो फील्डर्स होंगे पता है वो थ्रो करेंगे विकेट कीपर की तरफ, अश्विन जिस एंड के ऊपर है उस एंड के ऊपर थ्रो करने का प्रयास करेंगे। ये रोमांच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ये थ्रिलर है। सुपर ओवरलोडिंग, एक गेंद दो रन्स, इससे पहले सिर्फ तीन हुए हैं सुपर ओवर्स, टाइट गेम्स रादर। एक गेंद वाइड, ओ हो 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 हो, क्या बात है। रविचंद्रन अश्विन आराम से वहीं पर खड़े रहे, बाकी काम किया नवाज ने, बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी, इतने दबाव में इतने लोगों के सामने पहली गेंद आप खेलते हैं और ये अवेयरनेस दिखाते हैं, ऐसा जताया कि शायद आगे की तरफ आएंगे और जैसे ही गेंद की लाइन को पड़ा लेग स्टंप के बाहर शांति से ऑफ स्टंप की तरफ चले गए, बगैर कोई खेले हुए बहुत कुछ खेल गए। कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी यहां पर। अब फील्डर्स को आप आगे बुला रहे हैं, रन चाहिए, एक गेंद बची है एक, इससे पहले तीन टाइट गेम्स रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का एक टाइट गेम था याद होगा आपको, बॉल आउट हुआ था 2007, फिर फाइनल तक पहुंची थी दोनों टीम्स। एक गेंद एक रन, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद नवाज राउंड द स्टंप्स, शॉट चौका, इंडिया विन, रविचंद्रन अश्विन, एक गेंद पे एक रन मार दिया सामने चौका, अपने बल्ले से यहां इतिहास लिखा है कोहली ने, वो बल्ले से जीत का पैगाम लिखा है, कमाल किया है। एक ऐसा मुकाबला जहां भारत 31 पे 4 था वहां से जीत